हाय दोस्तों, मैं विकास वरनवाल प्रॉपर्टी प्लाजा से। आज जो मैं दिखाने वाला हूँ अब प्रोजेक्ट, जिसका नाम है दरवेश होराइजन। दरवेश होराइजन ये पहले बना रहे थे, अभी वेस्टर्न वालों ने इसको पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को टेक ओवर किया है और अभी इसका नाम वेस्टर्न दरवेश होराइजन है। अभी मैं 1 BHK दिखा रहा हूँ वेस्टर्न दरवेश होराइजन का, देख लें आप। वहाँ से 1 BHK स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक दिया हुआ है, बिकॉज़ आप देखें तो यहाँ से ये जो है ना, ये थर्ड फ्लोर है। थर्ड फ्लोर पे नीचे कमर्शियल का टेरेस है। नीचे कमर्शियल का टेरेस होने के कारण यहाँ पे आपको बालकनी नहीं मिल रहा है और आप देख सकते हैं फुल फॉर्म में यहाँ पे मेट्रो का काम चल रहा है। मेट्रो स्टेशन भी सामने ही है और थोड़ा आगे आके मैं दिखाता हूँ। ये इसका वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है सामने ही। और बिल्डिंग की एलिवेशन की बात करूँ तो इसमें हर एक फ्लैट में 4 फुट की बालकनी दी हुई है। अगर आप टेरेस फ्लैट के शौकीन हैं तो इसमें कुछ फ्लैट बड़े बड़े टेरेस के साथ में भी अवेलेबल है, तो टेरेस फ्लैट भी अगर चाहिए तो भी आप हमें फ़ोन करें। कुछ इन्वेस्टर के और बिल्डर के फ्लैट बचे हुए हैं तो उसमें भी हम आपको हेल्प कर देंगे। ये पूरा विंडो के साइड से देखें तो ये 1 BHK का लिविंग डाइनिंग एरिया है। ये इसकी लेंथी है, इसके बाद हम चलते हैं, इसका पैटर्न देखते हैं 1 BHK का किस टाइप का बनाया है इन्होंने। लिविंग डाइनिंग से जब आप आगे आते हैं तो उसके बाद राइट हैंड साइड पे आपको इसका कॉमन वॉशरूम मिलता है, एंड में बाथ एरिया, बीच में कमोड एरिया और बेसिन एरिया दिया हुआ है। और वॉशरूम के जस्ट थोड़ा सा आगे जाने के बाद आपको मिल जाता है किचन। किचन में गैस प्लेटफॉर्म और सर्विस प्लेटफॉर्म मिल रहा है। ये अपर कैबिनेट जो लगे हुए हैं, ये एजटीज आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ बाहर आपको वॉशिंग मशीन का प्रोविज़न दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। एंट्री में आपको फ्रिज का स्पेस दिया हुआ है, आप चाहें तो अंदर भी वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं। अब इसका मास्टर बेडरूम देखते हैं किस टाइप का है। यहाँ से इसका मास्टर बेडरूम स्टार्ट होता है और आगे आने के बाद राइट हैंड साइड पे इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम सेम पैटर्न इन्होंने बनाया है। यहाँ पे एंड में बाथ एरिया, कमोड एरिया और बेसिन एरिया दिया हुआ है। जो भी मैंने स्क्वायर फुट साइज़ की बात किया है, ये सब इसका यूजेबल कारपेट एरिया है। ये बेडरूम का मैं आपको लेंथ और इस तरफ से इसका विड्थ और लेंथ दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं ये बेडरूम। और एक बार बता दूँ कि ये इसका एक्चुअल फ्लैट है। इस वीडियो में जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ वो इसका एक्चुअल फ्लैट है, इसमें कोई ऐसा नहीं अलग से फ्लैट बनाया हुआ है सैम्पल फ्लैट में। और एक बात ये बता दूँ कि जो भी हाइट वगैरह आप देख रहे हैं, जो भी फ्लैट का फिनिशिंग देख रहे हैं, टाइल्स या ब्यूटीफाइड टाइल्स, एज इट इज़ आपको मिलने वाला है। इसमें कोई भी चेंजेस आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। ये पूरे बेडरूम की साइज है। मैं एक बार फिर से अंदर से आपको पूरे फ्लैट का व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ तक का इसका
1 BHK का फ्लैट है। अभी मैं 2.5 BHK का देता हूँ, घर बैठे देख लें, समझ लें, फिर आप ख़रीदने के लिए हमें फ़ोन करें। मैं और मेरी सेल्स टीम आपको टिल बुकिंग से लेके पोजीशन तक साथ में रहेगी और आपकी पूरी काम करवा के देगी, फ्लैट का पोजीशन होने तक आपके साथ में रहेगी। आइए देखते हैं 2.5 एंड 2 BHK। वेस्टर्न दरवेज होराइजन का मैं 2.5 BHK दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसका, और इसका जो हॉल यानी कि लिविंग डाइनिंग एरिया बड़ा है। इस तरफ आपका 2 से 3 फुट का बालकनी दिया हुआ है। ये पूरा इसका लिविंग डाइनिंग एरिया है। फ्लैट की हाइट वगैरह सेम आएगा आपको जब आप परचेस करेंगे। वीडियो डोर, फ़ोन, ये सब आपको साथ में दे रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे इन्होंने किचन दिया हुआ है, इधर इसका बेसिन दिया हुआ है, सामने गैस प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, और आप देख सकते हैं वॉशिंग मशीन वहाँ पे रखा हुआ अभी भी है। और ये जो कैबिनेट्स वगैरह देख रहे हैं ये आपको नहीं मिलेगा, जैसा मैंने 1 BHK में आपको दिखाया है वो सेम आपको मिलने वाला है। आगे देखते हैं इसका लिविंग डाइनिंग से जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको कॉमन बाथरूम, ये आपको सेम पैटर्न लास्ट में बाथ एरिया, कमोड एरिया, बेसिन एरिया आपको मिलता है। और इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ, तीनों बेडरूम दिखाता हूँ। फर्स्ट इसका मैं हाफ बेडरूम दिखा रहा हूँ, किस टाइप का है वो देख लें। ये इसका हाफ बेडरूम है जो बच्चों के लिए खेलने के लिए, और बच्चों को लिए या फिर ओल्ड एज के लिए, आप समझ सकते हैं। एक बढ़िया अच्छा एरिया इन्होंने हाफ बेडरूम में कवर किया हुआ है। एक प्रॉपर दिया है, इतना भी छोटा नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही, इसमें बड़े भी आप चाहें तो 6x6 का भी बेड इसमें इजली डाल सकते हैं। अब मैं लेके चलता हूँ इसका किसी के जस्ट अपोजिट में इसका मास्टर बेडरूम है। आपके मास्टर बेडरूम में एंटर करते ही फर्स्ट आपको राइट हैंड साइड पे ही इसका वॉशरूम मिल जाता है, जिसमें इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे टॉयलेट, बीच में बेसिन, और इस तरफ राइट हैंड साइड पे आपको बाथरूम यानी बाथ एरिया मिलता है। इस तरफ आपका एक बालकनी दिया हुआ है करीबन 2 से 3 फुट का, ये आप देख सकते हैं। और मैं विंडो के साइड से आपको बेडरूम का लेंथ दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं एक बेडरूम का स्पेस भी इतना बढ़िया दिया हुआ है कि 6x6 का बेड डालने के बाद, साथ ही साथ एक 2 से 2.5 फुट की डेप्थ की वार्डरोब डालने के बाद भी आपको करीबन 4 से 5 फुट का मूवमेंट करने के लिए जगह मिल रहा है बेडरूम में, और ये एक अच्छा खासा जगह आपको मिलता है। इसके बाद फिर दूसरा बेडरूम देखते हैं, इसका दूसरा भी इसका मास्टर बेडरूम है। 2.5 BHK के कंसेप्ट में बहुत कम 2 मास्टर बेडरूम और 1 हाफ बेडरूम देखने को मिलता है। जनरली इसको आप 3 BHK कह सकते हैं, क्योंकि 2 मास्टर बेडरूम और 1 कॉमन बेडरूम आपको मिल रहा है। ये मास्टर बेडरूम सबसे बड़ा मास्टर बेडरूम है। यहाँ पे वार्डरोब के लिए अलग से आपको जगह दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, जो वॉल के अंदर ही सेट किया हुआ है। पूरा का पूरा बेडरूम आपका, अगर आप 6x8 या फिर 6x7 का भी बेड डालते हैं तो भी एक अच्छा खासा जगह आपको मिल जाता है मूवमेंट करने के लिए। पूरा फ्री एरिया एक मिल जाता है। बालकनी इसमें 4-4 फुट की बालकनी सारे फ्लैट्स में है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ 4th फ्लोर पे दिखा रहा हूँ, जो इसका पहला माला है, 4th स्लैब यानी 4th माला इसका पहला माला है। इसके नीचे 3rd फ्लोर पे सारी एमिनिटीज़ है, G+2 इसका पोडियम पार्किंग है। तो एक बार विंडो के साइड से मैं आपको दिखा देता हूँ और इसका फिर वॉशरूम भी दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं 6x7 का बेड डालने के बाद भी एक अच्छा खासा बड़ा जगह आपको मिलता है। यहाँ पे आप सोफ़ा भी रख सकते हैं, स्टडी टेबल, ड्रेसिंग टेबल, और इस तरफ आपको मिलता है इसका वॉशरूम।
ये आप देख सकते हैं इस तरह आपका वॉशरूम मिल रहा है। और इसके बाद अंदर से इसका व्यू कैसा है वो आप पूरी तरह से देख लें, फ्लैट का स्ट्रक्चर कैसा है। यहाँ तक का इसका 2.5 BHK का फ्लैट है। अभी मैं वेस्टर्न दरवेज होराइजन का हायर फ्लोर यानी फोर्थ फ्लोर से ऊपर जो बालकनी वाला फ्लैट कैसा है और कितना आपको बालकनी मिलेगा हर एक फ्लैट में वो आप देख लें। करीबन 4 फुट का बालकनी आपको हर एक फ्लैट में इस टाइप का मिलने वाला है 4th माले से ऊपर। ये मैंने हॉल में दिखाया आपको। बेडरूम का भी सेम बालकनी आपको आने वाला है। अभी मैं आपको वेस्टर्न दरवेज होराइजन का कुछ एलिवेशन दिखा देता हूँ मॉडल के ज़रिए। ये आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पे पूरी एमिनिटीज़ है। फोर्थ फ्लोर से इसका रेजिडेंशियल टावर स्टार्ट हुआ है और इसमें क्लब हाउस और एमिनिटीज़ वगैरह सब थर्ड फ्लोर पे ही दिया हुआ है। बाकी का इसका पोडियम पार्किंग है और एलिवेशन जो आने वाला है वो इस टाइप का आने वाला है। ये मैंने मॉडल दिखा दिया ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए कि आपकी बिल्डिंग बनने के बाद किस टाइप दिखने वाला है। मैं दरवेज होराइजन का कनेक्टिविटी, हाईवे, मेट्रो स्टेशन और मेट्रो ट्रैक, एलिवेशन ये दिखाता हूँ। ये इसका एंट्रेंस है मेन और सामने आप देख सकते हैं कमर्शियल है। ऊपर इसका जो एलिवेशन रेडी हो चुका है, सामने एक विंग है, इसके पीछे 4 विंग है इसका। ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, मेट्रो ट्रैक और आगे ही जस्ट 1 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे इसका मेट्रो स्टेशन है। ये मैंने आपको कनेक्टिविटी दिखाया है। अभी और कुछ डिटेल जानना चाहते हैं तो आप मुझे फोन करें हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे। Welcome to Property Plaza, your trusted partner in real estate. Based in Mumbai, we collaborate with the city's top developers to bring you premier properties that fit your lifestyle and investment needs. Whether you're looking for a luxurious apartment, commercial space, or resale flats, we believe in creating lasting relationships through trust and transparency. With a dedicated team of 100 professionals and over 4,000 satisfied customers, we provide expert guidance and unparalleled service. Join us on a journey to find your perfect property. The best real estate company, Property Plaza, Vikas Banmar. इसका डिटेल में कुछ बता दूं, टोटल 5 विंग का टावर है ये, 17th स्टोरी टावर है जिसमें 5 विंग बना रहे हैं A, B, C, D और E और 5 टाइप का इसमें कॉन्फ़िगरेशन है, 1 BHK, 1.5 BHK, 2 BHK, 2.5 BHK और 3 BHK। अभी मैं इसका फ्लोर लेवल की बात करूं तो एक लेवल इसका बेसमेंट पार्किंग है, ग्राउंड लेवल पार्किंग है, प्लस फर्स्ट लेवल एंड सेकंड लेवल यानी फर्स्ट फ्लोर और सेकंड लेवल इसका पोडियम पार्किंग है, थर्ड लेवल इसका पूरा एमिनिटीज दिया हुआ है, फोर्थ लेवल से इसका रेजिडेंशियल टावर यानी कि फ्लैट्स स्टार्ट हो रहा है। हाईवे के फेसिंग या आप देखें तो मेट्रो स्टेशन, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, दहीसर चेकनाका ये सब बिल्कुल पास में है। ये बिल्कुल वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे ही बना हुआ है, आपने अभी देखा ही है, मैंने वीडियो के जरिए आपको दिखाया है। साथ ही साथ कमर्शियल के कुछ बड़े बड़े ब्रांड आया हुआ है जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे साइड जो व्यू है, जो साइड में शॉपिंग्स हैं वहाँ पे कुछ बड़े बड़े ब्रांड्स आए हुए हैं। ये जस्ट ठाकुर मॉल के सामने ही ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। इसमें कुछ इन्वेस्टर के फ्लैट भी है और बिल्डर के फ्लैट भी है, दोनों के हैं जो काफ़ी अच्छे प्राइस में सेल कर रहे हैं। डिस्काउंट क्या है, स्कीम क्या, ऑफ़र क्या है, क्या फ्लोराइज है, ऑल इंक्लूसिव प्राइस क्या आएगा, ये सब जानने के लिए आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पर फ़ोन करें। डिस्क्रिप्शन में भी हमारा नंबर रहेगा, वो भी आप देख के फ़ोन करें। और व्यू की बात करूं तो इसमें आपको दहीसर का सिटी का व्यू मिलता है, साथ ही साथ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का व्यू मिल रहा है। हायर फ्लोर से आपको संजय गांधी नेशनल पार्क का फॉरेस्ट फेसिंग, हिल फेसिंग का व्यू मिलता है। तो ये व्यू भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे बिल्कुल बिल्डिंग के नीचे ही है, मेट्रो स्टेशन यहाँ से मुश्किल से 1 से 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। तो लोकेशन इसका काफ़ी प्राइम है। काफ़ी दिनों से जो इसका माल नहीं बिक रहा था, फ्लैट नहीं बिक रहा था क्योंकि टाइटल क्लियर नहीं था। अभी वेस्टर्न वालों ने जब से इसको ओवरटेक किया है तो पूरी तरह से इसका टाइटल क्लियर हो चुका है। रेरा के वेबसाइट पर आप देख भी सकते हैं। देखने के बाद, समझने के बाद फिर आप हमें खरीदने के लिए फ़ोन करें या डिटेल भी जानना हो तो भी आप हमें फ़ोन करें। सभी टाइप का आप देखें तो
एमिनिटीज़ इसमें दिया हुआ है, जिसमें स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिमनासियम, जॉगिंग ट्रैक, सीनियर सिटीजन एरिया वगैरह सब कुछ इसमें दिया हुआ है। कोई भी एमिनिटीज़ ऐसा नहीं है कि आपको बाहर जाना पड़े। वेस्टर्न दरवेश होराइजन रेडी टू मूव हो चुका है विद ओसी, यानी कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इसका आ चुका है। फ्लैट लॉक एंड की रेडी है, यहाँ पर आपको कोई भी वेट एंड वॉच नहीं है, डायरेक्टली आप आके खरीदें और ले सकते हैं। इसके मैं प्राइजिंग का आपको जजमेंट दे दूँ, इसमें 1 BHK, 1.5, 2 BHK, 2.5 और 3 BHK, 5 टाइप के फ्लैट है। और 1 BHK का जो कारपेट एरिया 396 है, जिसकी प्राइजिंग 67-73 है। प्राइजिंग को लेके कुछ चीज़ें आप समझ लें। अभी जो मैं प्राइजिंग बता रहा हूँ, ये एक डेवलपर का कोटिंग प्राइज है, डेवलपर का बोला हुआ प्राइज है। बट दोस्तों एक बात समझ लें कि हम लोग की खुद की 100-150 लोगों की टीम है, 100+ लोगों की टीम है। एक डेवलपर जब एक साथ में कई जगह प्रोजेक्ट बनाते हैं, 10-10 जगह, 15-15 जगह अलग अलग बिल्डिंग बनाते हैं, और हम लोग क्या करते हैं ना, पूरे जो उनके क्लस्टर हेड होता है, जो प्राइजिंग डिसाइड करता है और ज़रा कुछ पूरा मैनेजमेंट देखते हैं डेवलपर के नीचे, उनसे जाके मीटिंग करके सीधा सीधा बात कर लेते हैं, भाई हम आपका 100-200-300 प्रॉपर्टी बेचेंगे ओवरऑल सारे प्रोजेक्ट मिला के, तो आप एक स्पेशल प्राइस दो हमारे कस्टमर्स के लिए। तो उसमें हम लोग 1000-500 रुपीज पर स्क्वायर फुट कम करके लेते हैं, ताकि अपने कस्टमर को सस्ते में कम प्राइस में प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर सकें। तो आप देखिए, जनरली आप एक प्रॉपर्टी दो प्रॉपर्टी लेंगे तो ज्यादा 1-2 करोड़ रुपए देंगे। हम लोग 100-200-300 प्रॉपर्टी बेचते हैं तो 300-400 करोड़ का टर्नओवर होता है हमारे और कंपनी और डेवलपर के बीच में। अब इसमें क्या होता है ना, वो 300-400 करोड़ का जो डील होता है, उसमें हम लोग एक होलसेल प्राइस में की बात करते हैं और वही सेम होलसेल प्राइस हम अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो प्राइस कम तो हो जाता है, बट काफी सारे कस्टमर एक मिस्टेक कर चुके हैं कि जब इससे बात सुनने के बाद वो डायरेक्टली डेवलपर के पास चले जाते हैं, और इसमें दिक्कत क्या होती है, डेवलपर के CRM सॉफ्टवेयर में टैग हो जाते हैं, उसके बाद हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप ये होलसेल प्राइस में कम प्राइस में डील चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, तो आप फर्स्ट विजिट जब आप करते हैं तभी आप हमारी टीम के साथ चाहिए, तभी हम आपके लिए प्राइस नेगोशिएट करवा पाएंगे। अदरवाइज अगर आप पहले चले जाते हैं तो फिर हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे मैंने हजारों लोगों को फायदा करवाया है दोस्तों, प्राइजिंग को लेके। जो होर्डिंग बोर्डिंग पे प्राइस देखते हैं ना, हाईवे पे या फिर ट्रेन में या फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं पे भी, वो प्राइस बिल्कुल अलग होती है। बिल्डर का जो बेचने का प्राइस होता है, कोई भी डेवलपर की बात कर रहा हूँ पूरे वर्ल्ड वाइड, उसकी अलग होती है। कुछ डेवलपर ऐसे हैं जिनकी फिक्स प्राइस होती है, बट आप उसमें हजारों में एक आध डेवलपर को काउंट कर सकते हैं। अदरवाइज सारे डेवलपर का जो बोलने की प्राइस होती है अलग होती है, और जो फाइनल करने की, सेल करने की प्राइस अलग होती है। तो उसमें से भी हम लोग नेगोशिएट करा के लेते हैं, बिकॉज होलसेल 300-400 करोड़ का डील हम लोग करवाते हैं 1-4 महीने में, तो उसके हिसाब से हम लोग कम प्राइस में उनसे बात करके ले लेते हैं। और वैसे भी बॉटम प्राइस आपको पता ना हो ना, तो मैं देखा है कि 5-5, 10-10 लाख रुपए लोग एक्स्ट्रा देके आ जाते हैं। तो बॉटम प्राइस भी आपको पता ना हो तो भी आप हमें फोन करें ऊपर दिए हुए नंबर पे। अभी मैं एक टेंटेटिव प्राइस दे देता हूं आपको, जो डेवलपर का बोलना है, फिर प्रॉपर्टी खरीदने आइए तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल प्राइस वहां पे क्या नेगोशिएट हम करवा सकते हैं। 1 BHK का प्राइसिंग मैंने बोल दिया है। अब 1.5 BHK इसका 521 स्क्वायर फुट का है, जिसका प्राइसिंग 87-91 लाख के बीच में है। 2 BHK जो प्रॉपर है वो 594 यानी कि 594 स्क्वायर फुट का है, जिसकी प्राइसिंग 97 लाख टू 1.09 CR यानी कि 97 लाख से 1.09 करोड़ के बीच में है। 2.5 BHK यानी 2.5 BHK का जो कारपेट एरिया है वो 650 यानी कि 650, ये मैं प्योरली रेरा कारपेट की बात कर रहा हूँ, बालकनी और कुछ एरिया इसमें डिडक्ट हो जाता है, निकल जाता है। 2.5 BHK 650 यानी 650 स्क्वायर फुट का है, जिसकी प्राइसिंग 1.10 CR टू 1.21 CR यानी कि 1.10 करोड़ से लेके 1.21 करोड़ के बीच में है। 3 BHK जो प्रॉपर है उसका 828 स्क्वायर फुट यानी कि 828 स्क्वायर फुट कारपेट एरिया है, रेरा कारपेट, इसकी प्राइसिंग 1.38 CR टू 1.45 CR यानी कि 1.38 करोड़ से लेके 1.45 करोड़ के बीच में है। इसमें अगर आप पार्किंग लेना चाहें तो 5 लाख में पार्किंग का प्राइस है। अब ये जो मैंने प्राइसिंग आपको बताया है, ये एक टेंटेटिव प्राइस बताया है, इसके ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST वगैरह अलग से आएगा दोस्तों। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना, मेरे वीडियोस से नॉलेज लेने के बाद डायरेक्ट वो डेवलपर के पास चले जाएंगे तो उनका ब्रोकरेज या ऐसा कुछ फीस बच जाएगा। दोस्तों एक बात तो याद रखें, आप ज्यादा ज्यादा जाएंगे ना तो 1 या 2 फ्लैट लेंगे। हम लोग बिल्डर का साथ जब काम करते हैं तो 100-250 फ्लैट बेचते हैं, और जब हम डील करते हैं ना स्टार्ट में, जब लोग प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं उसी टाइम पे हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग 100 फ्लैट बेचेंगे, 200 फ्लैट बेचेंगे या 50 फ्लैट बेचेंगे। तो हमारे कस्टमर को स्पेशली ये होलसेल का प्राइस मिलना है। आप उनको 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ रुपए देंगे, हम लोग उनको 100-150 करोड़ रुपए देंगे।
होंगे। तो हम लोग जो नेगोशिएट उनके साथ कर सकते हैं ना, वो आप नहीं कर सकते दोस्तों। एक बात ध्यान रखिए कि डेवलपर के साथ वैसा हम लोग डील करते हैं होलसेल में, तो उसमें जो हम लोग प्रॉफिट होता है ना, वो डायरेक्ट हम लोग कस्टमर से शेयर करते हैं कि ज्यादा ज्यादा हम लोग डील करके दें, कस्टमर को भी प्रॉफिट हो, बिल्डर को भी एक मोटा अमाउंट जाए और उसका बेनिफिट हम लोग को भी मिले। तो ये आप याद रखें। साथ ही साथ हमारे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो एक एक बार में 10-10, 20-20 करोड़, 50-50 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मैं देखा हूं कि वो लोग प्रोफेशनल सीपी यानी एजेंट या एडवाइजर को साथ में लेके ही जाते हैं, भले उन्होंने ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी इन्फॉर्मेशन मिला हो, लेकिन जब वो प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो एक प्रोफेशनल को साथ में लेके जाते हैं। उन्हें पता होता है कि एक प्रोफेशनल आदमी हमारे साथ में रहेगा तो कभी भी किसी भी मैटर पे वो डिस्कस कर सकता है, समझ सकता है और हमें एडवाइस भी कर सकता है। मेरे काफी सारे ऐसे कस्टमर हैं जो उल्टा 5-5, 10-10 लाख रुपए ज्यादा देके आ चुके हैं, उनको प्राइस पता नहीं चलता है। बिल्डर जो प्राइस आपको होर्डिंग बोर्डिंग पे लगाते हैं, ऑनलाइन शो करते हैं या ऑफलाइन होर्डिंग बोर्डिंग पे दिखाते हैं, वो प्राइस नहीं रहता, एक अच्छा खासा उसमें नेगोशिएशन होता है और आपको बॉटम प्राइस नहीं मालूम होता है। बिल्डर जब प्राइस लॉन्च करते हैं उसी टाइम हमारे साथ ओपन कर देते हैं कि मैं इतना रुपए पर स्क्वायर फुट में सेल करूंगा, उसके बाद जब वो होर्डिंग बोर्डिंग लगाते हैं तो 20-20, 30-30% बढ़ा के प्राइस लगाते हैं। हम लोग जब डील करते हैं तो उनके बॉटम प्राइस में डील करते हैं। हमारे सारे कस्टमर को मैंने 5-5, 10-10 लाख रुपया बचाया है एक एक डील में। तो आप कभी भी प्रॉपर्टी लेने जाते हैं ना, तो एक प्रोफेशनल्स के साथ जरूर जाएं जिसकी एक अच्छी नॉलेज हो, अच्छी पकड़ हो, डेवलपर के साथ उसके इंटरनल रिलेशन हो। साथ ही साथ आपके जो बजट है, आपके बजट में क्या बेस्ट उस एरिया में आने वाला है या उस एरिया में आ रहा है, उतना प्रोजेक्ट का सर्वे भी आपके पास नहीं होता है। एक जो प्रोफेशनल सीपी यानी चैनल पार्टनर होता है, या आप समझ लें तो प्रॉपर्टी एडवाइजर या ब्रोकर होता है, उसको वहां के आसपास का प्रॉपर एप्रिसिएशन क्या आएगा, डेप्रिसिएशन क्या आएगा, साथ ही साथ प्रोजेक्ट का सर्वे, आपको एक या दो प्रोजेक्ट के बारे में मालूम होगा, वो जो सालों से काम कर रहे हैं उनको उस पर्टिकुलर लोकेशन में 20-30-50-100 प्रोजेक्ट जो भी चल रहा है सबका मालूम है, तो वो आपको एक प्रॉपर एडवाइस करेंगे कि यहाँ पे आप लो, ये अच्छा एप्रिसिएशन भी आएगा साथ ही साथ इसकी वैल्यू सही है। दोस्तों ऐसा मैंने देखा है, काफी सारे लोग ज्यादा ज्यादा पैसा देके भी कई बार आ चुके हैं, ऐसा मेरा कई एक्सपीरियंस हो चुका है जो मैं इस वीडियो के जरिए आपको शेयर कर रहा हूँ। बाकी डेवलपर के पास इतना टाइम नहीं होता है, वो भी एक सेल्स टीम लगाता है सेल करने के लिए। बिल्डर के पास आप डायरेक्ट जाके जब विजिट कर लेते हैं ना, तो उसके बाद फिर मेरे कई वीडियो देखने के बाद लोग हमें फ़ोन करते हैं कि विकास जी आपका प्राइस बहुत सस्ता है, बिल्डर का मेरे को जो लोगों ने दिया है वो ज़्यादा महंगा दिया है। दोस्तों बिल्डर के पास एक बार विजिट कर लेते हैं तो आपके नाम से वहाँ पे टैगिंग हो जाती है, उनके सॉफ्टवेयर में आप ऐड हो जाते हैं, उसके बाद कोई भी सीपी या हम कुछ नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि जब आप जाएं तो फर्स्ट टाइम हमारे किसी सेल्स पर्सन के साथ में जाएं, तो ही हम आपके प्राइसिंग के लिए बात कर पाएंगे, सर्विसेज के लिए बात कर पाएंगे। हम लोग एज ए चैनल पार्टनर बिल्डर के पेरोल पे काम करते हैं, कस्टमर के लिए 0% ब्रोकरेज में हमारी पूरी टीम काम करती है। जो आप हमसे बुकिंग करवाते हैं तो आपको कुछ भी पेमेंट देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। साथ ही साथ होम लोन के लिए भी काम करते हैं, उसमें भी फ्रैंकिंग चार्ज और प्रोसेसिंग चार्ज में भी काफी अच्छा डिस्काउंट करवा के देते हैं। ये तो मैंने आपको दरवेश होराइजन का इन्फॉर्मेशन दिया है। ऐसे ही नए नए प्रोजेक्ट के वीडियोस मैं अपने चैनल के जरिए अपने कस्टमर तक पहुंचाता रहता हूं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। इसका बेनिफिट ये होगा, कभी कभी कुछ अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी आती है, बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी आती है, तो मैं हमेशा अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। तो आपको सबसे पहले बेल आइकन प्रेस करना और सब्सक्राइब करने का बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको सबसे पहले ये नोटिफिकेशन आएगा, आप उस प्रॉपर्टी को देखें, समझें और उसमें इन्वेस्टमेंट करना हो या उसका बेनिफिट लेना हो तो आप जल्द से जल्द उसका बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों कभी आपको ऑफिस पे आना हो तो ये हमारा ऑफिस का एड्रेस है, यहाँ पे आप आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं डायरेक्टली और हमारी टीम और हमारे जगह को देख सकते हैं। और ये राउंड बटन दबा के हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें आगे के वीडियो देखने के लिए। और ये दो वीडियो जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसी से रिलेटेड और भी दो प्रोजेक्ट का वीडियो मैंने यहाँ पे लगाया है ऊपर और नीचे, इसे भी आप क्लिक करके जरूर देखें। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों।